हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2001 में आई मूवी लज्जा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वैदेही नाम की लड़की से, जिसकी एक काफ़ी रिच बिजनेसमैन रघु से शादी हो गई थी। वैदेही जब रात को उठती है तो उसे पता चलता है कि रघु पार्टी कर रहा है। वैदेही जब वहाँ पर जाती है तो रघु सोनिया नाम की लड़की को किस कर रहा था। ये देख कर वैदेही को काफ़ी बुरा लगता है। वो रघु के साथ लड़ने लगती है, लेकिन रघु कहता है कि सोनिया उसकी बिजनेस पार्टनर है। वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए ये सब हो गया। जिसके बाद वैदेही रघु के पापा से मिलती है। रघु के पापा भी उसे यही कहते हैं कि रघु जो कहता है वो वैदेही को करना पड़ेगा। आखिरकार वो उसकी वाइफ है और पति का ख्याल रखना वैदेही का फर्ज है। अब रघु फिर से वैदेही को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर वो फिर से सोनिया के करीब जा रहा था। तो वही सोनिया का हस्बैंड वैदेही के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वैदेही रोने लगती है और पार्टी से जाने लगती है। रघु उसे रोकता है तो वैदेही उसे कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती। सोनिया का हस्बैंड उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रघु कहता है कि वैदेही बहुत खूबसूरत है, इसलिए कोई भी मर्द उसके पास आने की कोशिश करेगा। अगर वैदेही नहीं चाहती तो सोनिया का हस्बैंड उसके करीब नहीं आएगा। ये सुनकर वैदेही बहुत ज्यादा शॉक थी कि रघु ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो वहां से गुस्से से जाने लगती है तो रघु उसे थप्पड़ मार देता है। इस तरह से रघु हमेशा सोनिया को मारा करता था। सोनिया उस पार्टी से जाने लगती है तो रघु गुस्सा हो जाता है और सोनिया से कहता है कि वो हमेशा के लिए इंडिया वापस चली जाए, क्योंकि अगर वो उसके जैसे बन नहीं सकती तो उसके साथ रह भी नहीं सकती। जिसके बाद वैदेही इंडिया वापस आ जाती है, लेकिन वैदेही के मम्मी पापा उसे डांटने लगते हैं कि उसे इस तरह से ससुराल छोड़कर इंडिया वापस नहीं आना चाहिए था। वैदेही कहती है कि रघु उसे पीटता है, फिर भी उसके मम्मी पापा का यही कहना था कि वैदेही को ससुराल में ही रहना चाहिए था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे और वैदेही की छोटी बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर वैदेही काफी हैरान थी। तो वही हम रघु को देखते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन अब रघु कभी बाप नहीं बन सकता था। हालांकि वो अपनी मैरिड लाइफ कंटिन्यू रख सकता था, लेकिन कभी पिता नहीं बन सकता था। ये बात जब रघु के पापा को पता चलती है तो वो काफी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तभी उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि वैदेही प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। डॉक्टर ने ये बात अभी तक वैदेही को भी नहीं बताई थी। कुछ दिनों पहले वैदेही को वीकनेस फील हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसके टेस्ट करवाए थे और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी की बात सुनकर रघु के पापा बहुत खुश होते हैं और रघु से कहते हैं कि वो वैदेही को वापस लाए। रघु कहता है कि वो वापस नहीं लाएगा, क्योंकि उसे वैदेही की जरूरत नहीं। जिस पर उसके पापा बताते हैं कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता, इसलिए उसे वैदेही को वापस लाना होगा, क्योंकि वैदेही प्रेग्नेंट है। ये सुनने पर रघु कहता है कि वो वैदेही के साथ नहीं रहना चाहता, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि वो वैदेही को वापस लेकर आए। जब बच्चा हो जाएगा तो वो वैदेही को डिवोर्स दे दे, या फिर अगर उसने ज्यादा नाटक किया कि उसे बच्चा चाहिए तो वो लोग उसे मार देंगे। लेकिन उनकी सारी बातें डॉक्टर ने सुन ली थी। अब रघु जैसे वैदेही को कॉल करता है, वैदेही उससे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन वैदेही के घर वालों के कहने पर वो उससे बात कर लेती है। रघु वैदेही को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो वैदेही को बहुत मिस कर रहा है। वो अपनी गलती समझ चुका है और वो वैदेही को वापस चाहता है। अब रघु की बातें सुनकर वैदेही को लगता है कि रघु बदल चुका है, इसलिए वो वापस आने लगती है। जैसे वो एयरपोर्ट पर आती है तो उसे डॉक्टर का कॉल आता है, जो वैदेही को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वैदेही काफी खुश होती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि रघु और उसके पापा का क्या प्लान है। वो वैदेही को बताते हैं कि रघु और उसके पापा को बस वैदेही का बच्चा चाहिए, और ये सुनकर वैदेही काफी शॉक थी। अब वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वहां पर रघु के लोग थे। वैदेही वॉशरूम जाने का बहाना करती है, जिसके बाद वो एक कुरियर के ट्रक में बैठकर नागपुर भाग जाती है। तो वहां पर रघु के लोग इंक्वायरी करने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ से नागपुर के लिए ट्रक गया है, और वो लोग ये बात रघु को बता देते हैं। अब रघु भी इंडिया आ रहा था ताकि वो वैदेही को वापस ले जा सके। वैदेही जब नागपुर आती है तो वहां पर रघु के लोग भी पहुंच चुके थे। वैदेही उनसे बचते हुए भाग रही थी, तभी वो एक शॉप के पास चली जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे अंदर आने के लिए कहता है। उस आदमी का नाम राजू है और वो एक चोर है, और अभी वो एक ज्वेलर को लूट रहा था। राजू वैदेही को बताता है कि उसे दुबई में जॉब मिल चुकी है, लेकिन उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी, इसलिए वो चोरी कर रहा था। राजू के पास एक स्पेशल बिस्किट्स थी,
जिसे खाने के बाद कोई भी सो जाता था। राजू ने कुछ बिस्किट्स उस ज्वेलर को भी खिला दी थी। अब राजू वैदई को भी कुछ पैसे देने लगता है, क्योंकि वैदई की हालत देखकर वो समझ गया था कि वैदई घर से भाग आई है। लेकिन वैदई उससे पैसे नहीं लेती। अब राजू उससे कहता है कि वो खिड़की से कूदकर भाग जाएगा, जिससे सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तभी वैदई दरवाजे से बाहर निकल जाए। वैदई भी उसकी बात मान लेती है और राजू वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वैदई भी दरवाजे से बाहर चली जाती है। तभी वो एक बारात को देखती है, इसलिए बारात में चली जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जैसे वैदई शादी में पहुंचती है तो वहां पर राजू था। राजू को देखकर वैदई को लगता है कि राजू के किसी रिश्तेदार की शादी हो रही होगी, लेकिन राजू उसे बताता है कि वो बस एक चोर है और यहाँ पर छुपने के लिए आया था। लेकिन राजू सबसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उन सभी को जानता है, जिसके बाद राजू वैदई के साथ मिलकर खाना खाने लगता है। तभी वैदई को उल्टी आती है, जिससे सबको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब राजू वैदई से कहता है कि उसे प्रेगनेंसी में इस तरह से भटकना नहीं चाहिए। तभी उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर मैथिली नाम की लड़की की शादी हो रही थी और मैथिली के पापा ही शादी का खर्चा उठा रहे थे। लेकिन उन्हें 5 लाख रुपए देने थे, लेकिन उसमें से 50,000 रुपए खर्च हो गए थे, इसलिए वो मैथिली के होने वाले ससुर से 2 दिनों की मोहलत मांग रहे थे। लेकिन उसके ससुर कहते हैं कि अगर उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए तो वो बारात लेकर चले जाएंगे। ये सुनकर मैथिली के पापा काफी रोने लगते हैं। तो वही ये सारी बातें मैथिली भी सुन लेती है और उसे भी अपने पापा के लिए काफी बुरा लग रहा था। वैदई ने भी ये सब सुन लिया था और वो जाकर मैथिली से कहती है कि वो अपने दूल्हे से बात करे। वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो शायद वो उसकी कंडीशन समझ सके। अब मैथिली अपने होने वाले दूल्हे को बुलाती है और उसे ये सब बताती है। लेकिन दूल्हे का कहना था कि अगर मैथिली के पापा ने कहा था कि वो 5 लाख रुपए देंगे तो उन्हें देने चाहिए थे, और अगर उन्होंने नहीं दिए तो वो लोग चले जाएंगे। दूल्हा कहता है कि जो भी उसके पापा कहते हैं वो उन्हीं की बात मानता है। जिसके बाद वैदई राजू से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने 50,000 रुपए मैथिली को दे दें। लेकिन राजू पहले तो उसे मना करता है, क्योंकि राजू को जॉब के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। राजू कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। एक्चुअली राजू की सच्चाई के बारे में मैथिली को पता चल गया था कि वो एक चोर है। राजू पहले तो मना करता है, फिर मैथिली की कंडीशन देखकर वो मान जाता है। वो सारे पैसे मैथिली के पापा को दे देता है, जिसके बाद मैथिली के पापा मैथिली के ससुर को सारे पैसे दे देते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो ज्वेलर आता है, जो कि उसके ससुर का दोस्त था, और सबको बताने लगता है कि ये पैसे उसकी दुकान से चोरी हो गए थे। अब ये बात सुनकर सभी लोग मैथिली के पापा को चोर कहने लगते हैं। जब राजू ये बात सुनता है तो वो सबको बताता है कि चोरी उसी ने की थी, क्योंकि उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी और उसे दुबई जाना था ताकि वो जॉब कर सके। लेकिन जब उसने देखा कि मैथिली के पापा को पैसों की जरूरत है तो उसने दे दिए। तभी वहां पर दूल्हे का फ्रेंड आता है और कहता है कि उसने मैथिली के रूम में राजू को देखा था, जरूर उनका चक्कर चल रहा होगा। अब ये बात सुनकर मैथिली के ससुर गुस्सा हो जाते हैं और मैथिली के पापा से कहते हैं कि अगर वो लोग और 1 लाख रुपए उन्हें देंगे तो ही वो मैथिली को अपनी बहू बनाकर लेकर जाएंगे। अब मैथिली के पापा के पास 1 लाख रुपए नहीं थे, वो रोने लगते हैं। तभी मैथिली उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो लोग अब कुछ भी पैसे नहीं देंगे। मैथिली कहती है कि वो लोग इतने लालची हैं, ये उसने नहीं सोचा था। उसके पापा ने इतने सारे खर्चे किए फिर भी इनकी डिमांड्स कम नहीं हो रही। मैथिली उनकी काफी इंसल्ट करती है, जिसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। अब मैथिली की बातें सुनकर उसके पापा उससे काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैथिली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी वहां पर मैथिली की दादी आती है और उसे कहती है कि उसने ठीक किया। अगर उनके जमाने में उन्होंने भी ऐसा किया होता तो आज इस तरह से लड़कियों को दहेज के लिए जलील नहीं होना पड़ता। मैथिली को वो शाबाशी देती है, जिसके बाद वैदई और राजू भी वहां से चले जाते हैं। अब राजू वैदई से कहता है कि वो दुबई जा रहा है, क्योंकि उसे उसके पैसे वापस मिल गए थे। राजू वैदई को एक लेटर देता है और कहता है कि ये उसकी माँ तक पहुँचाए। साथ ही राजू वैदई को कुछ पैसे भी देता है ताकि वो राजू की माँ को दे सके। जिसके बाद राजू वहां से चला जाता है और वैदई राजू के गांव हरिपुर आ जाती है, जहां पर वैदई की मुलाकात जानकी से होती है, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट थी। जानकी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और वैदई को उसका नाटक बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वैदई की मुलाकात पुरुषोत्तम से होती है, जो उस थिएटर का ओनर था। वैदई उससे राजू की माँ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए और राजू ने खुद ही उसका अंतिम संस्कार किया था। अब वैदई वो लेटर ओपन करती है तो वो लेटर उसके लिए था। एक्चुअली राजू ने कहा था कि वैदई प्रेग्नेंट है और उसे इस तरह से भटकना नहीं चाहिए, इसलिए राजू ने
उसे अपने घर की कीज दी थी ताकि वैदेही वहाँ पर आराम से रह सके। अब राजू की बातें सुनकर वैदेही को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद पुरुषोत्तम वैदेही को राजू के घर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब वैदेही फिर से थिएटर आती है तो उसकी मुलाकात फिर से जानकी से होती है। दोनों बातें करते हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जानकी बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, उसका दूसरा महीना चल रहा है लेकिन उसकी अब तक शादी नहीं हुई। उसी थिएटर में एक मनीष नाम का लड़का है और उन दोनों का रिलेशन चल रहा था। मनीष को एक सीरियल मिला है और वो दोनों जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं और फिर आराम से रहेंगे। जिसके बाद जानकी वैदेही को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुरुषोत्तम जानकी को पाना चाहता था, इसलिए वो हमेशा जानकी को गिफ्ट देने की कोशिश करता ताकि जानकी उसके पास आ सके। लेकिन जानकी पुरुषोत्तम को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, वो तो बस मनीष से प्यार करती थी। यही बात जब पुरुषोत्तम को पता चलती है तो वो मनीष को भड़काने लगता है कि उसके और जानकी के बीच में अफेयर चल रहा है और जानकी उसके काफी पैसे खर्च करती है। जब मनीष को ये पता चलता है तो वो जानकी से काफी नाराज था। अब मनीष और जानकी रामायण पर नाटक कर रहे थे। जब नाटक का ब्रेक आता है तो वैदेही मनीष से पूछती है कि वो दोनों कब भागेंगे। तब मनीष कहता है कि वो अकेला ही दिल्ली जा रहा है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वैदेही के पेट में जो बच्चा है वो उसका है। मनीष कहता है कि सब लोगों को लगता है कि वैदेही और पुरुषोत्तम का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वैदेही के पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। ये सुनकर वैदेही काफी शॉक थी कि जिस मनीष से वो इतना प्यार करती थी वो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था। मनीष चाहता है कि जानकी अबॉर्शन कर ले। ये बात सुनकर जानकी को काफी गुस्सा आता है। तभी वहां पर वैदेही आती है और जानकी वैदेही को सब कुछ बता देती है, जिस पर वैदेही कहती है कि जानकी को शादी से पहले मनीष के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जानकी का कहना था कि वैदेही ने तो अपने पति से 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो भी तो आज अपने पति से भाग ही रही है। जानकी का कहना था कि अगर मनीष को उसे एक्सेप्ट करना है तो वो अपने बच्चे के साथ करना होगा, अगर वो उस पर विश्वास नहीं रख सकता तो वो भी उसके साथ नहीं जाएगी। जिसके बाद जानकी अपना नाटक कंटिन्यू करती है। अब रामायण का सीन चल रहा था जहाँ पर सीता को अग्नि परीक्षा देनी थी। राम कहते हैं कि सीता इतने दिनों से लंका में थी, इसलिए उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब यहाँ पर राम का कैरेक्टर मनीष निभा रहा था, तो वही सीता का कैरेक्टर वैदेही। वैदेही अग्नि परीक्षा देने से मना करती है, क्योंकि उसका कहना था कि क्या राम को सीता पर भरोसा नहीं। जिस पर राम कहता है कि अगर वो अग्नि परीक्षा दे देगी तो सबको भरोसा हो जाएगा कि वो पवित्र है। जिस पर सीता कहती है कि जिस तरह सीता राम से दूर थी, राम भी तो सीता से दूर था, तो फिर राम ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी। वो राम से कहती है कि वो दोनों ही अग्नि परीक्षा देंगे। जब पब्लिक ये सारी बातें सुनती है तो वो जानकी पर गुस्सा हो जाती है। जानकी का कहना था कि हमेशा औरतों को ही क्यों सहना पड़ता है, सीता ने हमेशा राम का साथ दिया और उनके साथ वनवास चली गई। लेकिन जब लक्ष्मण ने रावण की बहन की नाक काटी तो रावण ने लक्ष्मण से बदला लेने के लिए सीता को किडनैप किया। जानकी कहती है कि मर्दों को अपनी ताकत बस औरतों के ऊपर ही दिखानी होती है। ये बात जब पब्लिक सुनती है तो वो जानकी पर गुस्सा होती है और थिएटर में तोड़फोड़ करने लगती है। ये सब हो रहा था तभी मनीष दिल्ली भाग जाता है, तो वही जानकी को वैदेही एक दूसरी जगह लेकर आती है। जानकी काफी गुस्सा थी क्योंकि हमेशा औरतों ने ही जुल्म सहे हैं, अग्नि परीक्षा हमेशा औरतों को ही देनी पड़ती है, आज तक कभी नहीं सुना कि किसी मर्द ने अग्नि परीक्षा दी होगी। तभी वहां पर पुरुषोत्तम आता है और जानकी से कहता है कि लोग उस पर बहुत गुस्सा है, वो जानकी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जानकी को उसके पास आना चाहिए। जब जानकी ये बात सुनती है तो वो पुरुषोत्तम पर बहुत गुस्सा होती है और वहां से बाहर जाने लगती है। तभी कुछ पब्लिक जानकी पर हमला करती है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद जानकी को मेंटल असाइलम लेकर जाते हैं। जब वैदेही ये सब देखती है तो उसे जानकी के लिए काफी बुरा लगता है। तभी वैदेही को पता चलता है कि जिन लोगों ने जानकी को पीटा था वो पुरुषोत्तम के लोग थे, इसलिए वैदेही जाकर पुरुषोत्तम से लड़ने लगती है। पुरुषोत्तम वैदेही को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसने उसके पति को इन्फॉर्म कर दिया है। एक्चुअली रघु ने वैदेही का फोटो पेपर में छपवा दिया था, साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, इसलिए पुरुषोत्तम वैदेही को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर पुरुषोत्तम की वाइफ आती है और वैदेही को चुराकर वहां से लेकर जाती है। जब रघु पुरुषोत्तम के पास आता है तब तक वैदेही वहां से भाग चुकी थी। अब वैदेही ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन तभी उस ट्रेन पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं और सब कुछ लूटने लगते हैं। तभी वहां पर भोला आता है और सभी डाकुओं को पीट देता है। भोला जब उन्हें मार रहा था तो ये देखकर वैदेही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद भोला वैदेही को बाहर लाता है
और उसे एक आदमी के साथ राम दुलारी के पास भेज देता है। जब वैदेही की आँख खुलती है तो वहाँ पर राम दुलारी थी। राम दुलारी बताती है कि वो एक दाइमा है और वैदेही जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रह सकती है। तभी राम दुलारी को पता चलता है कि एक आदमी अपनी बेटी को मार रहा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। राम दुलारी जाकर उसकी बेटी को बचा लेती है। ये देखकर वैदेही समझ जाती है कि राम दुलारी काफी अच्छी लेडी है। साथ ही राम दुलारी गाँव की औरतों को पढ़ाने का भी काम किया करती थी क्योंकि वो जानती है कि जब तक औरतें पढ़ेगी नहीं तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि वहाँ के जो लीडर थे गजेंद्र और वीरेंद्र, वो हमेशा औरतों का फायदा उठाया करते थे। इसलिए राम दुलारी चाहती है कि वो कभी भी किसी औरत का फायदा ना उठा पाए। अब राम दुलारी के साथ वैदेही काफी अच्छे से रहने लगती है। तभी वहां पर राम दुलारी का बेटा प्रकाश भी आता है, जो भी औरतों को सिखाने में राम दुलारी की मदद कर रहा था। प्रकाश वहां पर एक कंप्यूटर भी लेता है ताकि वो सबको अच्छे से सिखा सके। तभी हमें पता चलता है कि वीरेंद्र की जो बेटी है सुषमा, वो और प्रकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं। और वो दोनों जब एक दिन मिल रहे थे तभी वीरेंद्र का एक आदमी उन्हें देख लेता है और वो जाकर वीरेंद्र को बता देता है। वीरेंद्र कहता है कि प्रकाश को मार डाले। यही बात सुषमा सुन लेती है और वो आकर राम दुलारी को बताती है कि उसके पापा प्रकाश को मारना चाहते हैं। जब राम दुलारी ये सुनती है तो वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और प्रकाश उसका इकलौता सहारा था। इसलिए राम दुलारी सुषमा से कहती है कि वो अपने घर वापस चली जाए, प्रकाश कल आने वाला है और वो लोग उसे इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए राम दुलारी और वैदेही मिलकर सुषमा को उसके घर छोड़ने जाती हैं। लेकिन वीरेंद्र प्रकाश और सुषमा के बारे में जान चुका था, इसलिए वो राम दुलारी को उसके घर में कैद करके रखता है। तो वही वैदेही को वो दूसरे रूम में रखता है ताकि वो वैदेही के पति को इन्फॉर्म कर सके। अब गजेंद्र ने वैदेही के पति को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग राम दुलारी को काफी टॉर्चर करते हैं, लेकिन सुषमा वैदेही को लेकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन वहां पर प्रकाश भी आता है और वो तीनों बुलवा के पास चले जाते हैं। अब बुलवा भी एक डाकू है, लेकिन अच्छा वाला, वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करता है। बुलवा वीरेंद्र के आदमियों को पीट देता है और इन तीनों को बचा लेता है। अब वैदेही, सुषमा और प्रकाश बुलवा के साथ ही रह रहे थे। जब ये बात वीरेंद्र को पता चलती है तो वो दोनों जाकर राम दुलारी के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसके बाद उसे जिंदा चला देते हैं। ये बात जब बुलवा को पता चलती है तो उसे राम दुलारी के लिए काफी बुरा लगता है और बुलवा ठान लेता है कि वो वीरेंद्र और गजेंद्र से बदला लेकर रहेगा। तो वही हम रघु को देखते हैं जो वैदेही को ढूंढते हुए गजेंद्र के पास आ गया था। गजेंद्र उसे बता देता है कि वैदेही डाकू के पास है। अब रघु जाकर बुलवा से बात करता है। बुलवा रघु से कहता है कि कल वो आकर वैदेही के साथ बात कर ले, लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और रघु भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद रघु वापस जाता है तो गजेंद्र और विजेंद्र डिसाइड करते हैं कि उनके आदमी भी रघु के साथ जाएंगे। और जैसे ही वैदेही रघु से मिलने आएगी, वो लोग बुलवा पर हमला करके प्रकाश और सुषमा को भी मार देंगे। लेकिन बुलवा पहले से जानता था कि ये लोग ऐसा ही कोई प्लान करेंगे, इसलिए जैसे ही वैदेही रघु से मिलने जाती है, वो भी देखती है कि वहां पर विजेंद्र के लोग थे। वो बुलवा को आवाज देती है, लेकिन तभी वहां पर बुलवा के लोग आते हैं और उन सभी को मार देते हैं। बुलवा रघु को भी मारने वाला था, लेकिन वैदेही उसे रोकती है। ये देखकर बुलवा काफी गुस्सा होता है क्योंकि रघु ने वैदेही के साथ इतना गलत किया था, लेकिन फिर भी वैदेही उसे बचा रही थी। अब बुलवा वैदेही, प्रकाश और सुषमा को वहां से जाने देता है, जिसके बाद वो खुद विजेंद्र के घर जाता है, जहां पर वो गजेंद्र को मार देता है। वो विजेंद्र को भी मारने वाला था, लेकिन विजेंद्र वहां से बचकर भाग गया था। लेकिन इस सब में बुलवा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन उसे इसी बात का अफसोस था कि वीरेंद्र यहाँ से भाग गया। जिसके बाद हम वीरेंद्र को देखते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाला था। तभी वहां पर वैदेही आती है और सबको बताती है कि किस तरह वीरेंद्र और गजेंद्र ने राम दुलारी के साथ जबरदस्ती की और उसे मार दिया। जैसे ही वीरेंद्र ये सुनता है तो वो वैदेही को सबके सामने थप्पड़ मारता है। तब वैदेही सबको बताती है कि किस तरह विजेंद्र और गजेंद्र ने अब तक कितनी औरतों का शोषण किया है। इन मर्दों के लिए औरत बस एक हवस होती है या तो बच्चे पैदा करने की मशीन। इन्हें कभी समझ में नहीं आता कि औरत में अपने इमोशंस होते हैं, उनके भी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। और ऐसा वो इसलिए समझते हैं क्योंकि औरतें खुद के लिए स्टैंड लेना भूल जाती हैं। औरतों को अपने हक के लिए लड़ना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही सहती रहेगी। वैदेही की बातें सुनकर वहाँ की औरतों में भी हिम्मत आती है और वो जाकर विजेंद्र को मार देती है। वहाँ पर रघु भी था और रघु ने भी वैदेही की सारी बातें सुन ली थी और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जाकर वैदेही से माफी मांगता है और वैदेही भी रघु को माफ कर देती है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम वैदेही और रघु को देखते हैं
जो अमेरिका में थे। वहाँ पर वो दोनों अपने बच्चे के साथ थे, तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है। उस टैक्सी में राजू था, जो अब वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बन चुका था। राजू को देखकर वैदेही काफ़ी खुश होती है। राजू बताता है कि उसने मैथिली के साथ शादी कर ली है। तभी वैदेही उसे बताती है कि जानकी का यहाँ पर शो होने वाला है, क्योंकि वैदेही जानकी को लेकर यहाँ आई थी, इसलिए वो राजू और मैथिली को भी शो देखने के लिए बुलाती है। एक्चुअली वैदेही को एक बेटी हुई है जिसका नाम उसने रामदुलारी रखा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लज्जा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।